विश्व कप 2015 शुरू होने वाला है और अब तक 10 विश्व कप खेले जा चुके हैं। विश्व कप में टीमों ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करके विश्व कप टाइटल को अपने नाम किया है, लेकिन टीमों की फाइनल की जीत में भी इनके सुरमाओं ने अभिन्न योगदान दिया है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं उन सुरमाओं के बारे में जो विश्व कप फाइनल में बने मैन ऑफ द मैच। क्लाइव लॉयड ने विश्व कप 1975 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार 102 रन की पारी खेली और विश्व कप टीम वेस्टइंडीज के नाम किया। 1975 में क्लाइव लॉयड मैन ऑफ द मैच बने। क्लाइव लॉयड की ही कप्तानी में एक बार फिर से वेस्टइंडीज ने विश्व कप अपने नाम किया और इस बार विश्व कप के हीरो रहे विवियन रिचर्डसन। रिचर्डसन ने फाइनल में नाबाद 138 रन बनाए थे। फाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। महेंद्र अमरनाथ के ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत भारत कपिल देव की अगुवाई में 1983 के वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रहा और वे मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। मोहिंदर ने केवल 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया टीम में नाटेकद के डेविड बून ने 1987 के फाइनल में 75 रन की विजेता पारी से अपनी टीम को पहली बार वर्ल्ड कप का शानसा बनाया। बून को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पाकिस्तान के ऑलराउंडर वसीम अकरम ने 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में दोहरा प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच बनने का सम्मान हासिल किया। वसीम ने 33 रन बनाने के अलावा 49 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान चैंपियन बना। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा ने विश्व कप 1996 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नाबाद 107 रन बनाए और 42 रन पर 3 विकेट लिए। उनके इस दोहरे प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन को स्पिन का जादूगर माना जाता है। 1999 के वर्ल्ड कप में वॉन ने फाइनल में केवल 33 रन की कीमत पर 4 विकेट झटक कर मैन ऑफ द मैच बनने का सम्मान हासिल किया। रिकी पॉन्टिंग ने 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तानी पारी खेली और फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद 140 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनवाया। फाइनल में उन्हें शानदार शतक का पुरस्कार मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में एडम गिलक्रिस्ट ने 149 रन की बेहतरीन पारी खेली और वे मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में मुंबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 गेंदों में नाबाद 91 रनों की विस्फोटक पारी खेली और भारत को 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बनवाया। इसी पारी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।